बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू मसारा किचन। आज मैं बना रही हूँ आइस केक। और आइस केक बनाने के लिए मैं हमेशा केक जब भी बनाती हूँ, चाहे पाइनएप्पल केक हो, चॉकलेट केक हो, आइस केक हो, मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी अपने यही बताया है कि मैं हमेशा दो स्पंज रेडी करती हूँ, बीच से मैं स्पंज को कट नहीं करती, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ एक स्पंज की रेसिपी शेयर करूंगी। और जो मैं आइस केक बना रही हूँ, ये मैं बना रही हूँ पतीले में, ताकि आजकल बहुत है कि मतलब जिनके पास ओवन नहीं है, जो ख़वातीन जो है विलेजेस में रहती हैं या जिनके पास ओवन नहीं है, तो वो आराम से पतीले में भी केक बना सकती हैं। तो मैं ये केक जो है पतीले में आपको बनाने की बताऊंगी कि किस तरीके से पतीले में केक अच्छा सा केक बन सकता है, बिल्कुल बेकरी की तरह। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैंने 3 अंडे लिए हैं। इसमें जाएगा 100 ग्राम मैदा, 100 ग्राम चीनी, 1/4 टी स्पून बेकिंग पाउडर। यहाँ पे मैंने रसमोर कंपनी का पाउडर लिया है। बेकिंग पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकती हैं, ठीक है। इसके साथ ही इस केक में जाएगा चंद ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के, और चंद ड्रॉप जो है येलो कलर जाएगा। ये येलो कलर आप स्किप कर सकती हैं, मेरे पास है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि स्पंज जो है बहुत खूबसूरत येलो कलर का रेडी होता है, जैसा कि बेकरीज में होता है। तो अगर आपको ये नहीं मिल रहा है तो आप इसको स्किप कर सकती हैं। और मैं केक जो है, ये केक मैं बनाती हूँ हमेशा, मैं इसकी टॉपिंग जो है केक की वो मैं करती हूँ विप्ड क्रीम से। और इसको किस तरीके से व्हिप करना है ये मैं अपने चैनल पे आपको बता चुकी हूँ, इसकी वीडियो के जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और साथ ही ये विप्ड क्रीम आपको ऑनलाइन किस तरीके से मिल सकती है, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। इनका बेकिंग हाउस का नंबर भी मैं दे दूँगी, ठीक है, कि आप कहाँ से ईज़िली इस क्रीम को ऑर्डर कर सकती हैं। और यहाँ पे मैंने ये केक मोड रखा हुआ है, इसको मैं ऑयलिंग करूँ, बटर पेपर कट करके रखा है, इसको मैं ऑयलिंग करूँगी। ऑयलिंग के बाद मैं मैदे से डस्ट करूँगी और उसमें अपने केक का बैटर डाल के बेक करूँगी। तो चलिए फिर अपनी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले केक बनाने से पहले मैंने यहाँ पे एक बड़ा पतीला जो है वो चूल्हे पे रख दिया है, मीडियम फ्लेम पे, और इसमें मैंने नमक छिड़क दिया है। नमक डालने के बाद यहाँ पे ये स्पेयर बर्तन है मेरे पास, इसको मैंने रख दिया है। और पतीले को मैं जब तक मैं केक की तैयारी करूँगी, इस पतीले को मैं कवर करके प्री हीट होने दूँगी। सबसे पहले मैं ये मैदा और बेकिंग पाउडर को मिक्स करके यहाँ पे छानूंगी, और मैं ये 2 से 3 दफ़ा छानूंगी। इसको जितना आप छानेंगे आपका स्पंज जो है उतना ही सॉफ्ट और अच्छा बनेगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक तसला लिया है, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे छाना रखा है। इस छाने में मैं डालूंगी बेकिंग पाउडर, सॉरी मैदा डाला है मैंने छाने में, इसके साथ ही इसमें डालूंगी मैं बेकिंग पाउडर। आज सभी का भी हैरान हो रही हैं कि मुझे क्या हो गया है जो मैं इस तरीके से कर रही हूँ, लेकिन समटाइम हो जाते हैं छोटे छोटे एक्सीडेंट्स जो किचन में, तो बंदे बिल्कुल अटेंडेंस नहीं रहता है। चलें खैर, अब मैं सही कर रही हूँ, और इसको मैंने अच्छे से छान लिया है। अब मैं इसको एक बार फिर छानूंगी, मैं इसको फिर से छानूंगी इसको। ये देखिए मैं 3 दफ़ा इसको छान चुकी हूँ। अब मैं इसको साइड पे करूँगी और अपने दूसरे स्टेप की तरफ चलूँगी, ले लूँगी। कोई मुश्किल नहीं है केक बनाना बेकरी की तरह, बस हर चीज़ को आपको नाप तोल का ख्याल रखना है। नाप तोल के रहेगा तो सही रहेगा ये चम्मच, और इसका हिसाब भी मेरे पास किस साइज़ का है, आपके पास किस साइज़ का कप है, किस साइज़ का स्पून है, तो इसीलिए नाप तोल का आपने बहुत ख्याल रखना है। और चीज़ें जो ग्राम में बताई जा रही हैं उन्हें आपको शॉप से ग्राम में ही परचेज करनी है। ये देखिए तीनों एग्स लेनी है। अब मैं इसे बीट करूँगी, अब मैं इसको बीट कर रही हूँ, और मैं इसे इतना बीट करूँगी कि ये अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए। और तकरीबन इसको मैं यहाँ पे 10 मिनट्स बीट करूँगी, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे स्टॉप किया है, और अब मैं इसमें ऐड करूँगी शुगर, इस ताकि अंडों को मैंने जस्ट मिक्स किया है इस बीटर से, और इस वक्त मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ। और अब मैं इसको और इसको बीट करूँगी ताकि इसको फ्लफ़ी होने तक इसको बीट करना है, इसको बिल्कुल फोम बना देना है, ठीक है, इतना इसको बीट करना है। और यहाँ पे बीटर जो है मैंने नॉर्मल स्पीड पे रखा हुआ है। अभी मैं यहाँ पे स्टॉप करके अब इसमें मैं ऐड करूँगी वनीला एसेंस, ठीक है, और इसमें चंद ड्रॉप जो है वनीला एसेंस के डालूँगी। साथ ही इसमें येलो कलर ऐड कर रही हूँ, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि यू कैन स्किप, अगर आपके पास नहीं है तो आप ना डालें, मेरे पास है इसलिए मैं डाल दे रही हूँ, ताकि स्पंज जो है बेकरी की तरह येलो सा हो तो खूबसूरत लगता है, लेकिन इसका फ्लेवर से कोई ताल्लुक नहीं है,
ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से बीट करूंगी और इसे इतना बीट करूंगी कि ये बिल्कुल फोम और फ्लफी हो जाए। कि अभी देखें लाइनें बननी स्टार्ट हो गई हैं, जब लाइनें बननी स्टार्ट हो जाएं तो इसका मतलब है कि आपका जो केक का बैटर है वो रेडी होने लगा है और केक के लिए आपका बैटर रेडी है। देखें ये देखें लाइनें बन रही हैं, लेकिन अभी 2 से 3 मिनट मैं इसको और बीट। मैंने बैटर जो है मोड में डाल दिया है, अब मैं इसे पतीले में रखूंगी। ये मैंने रख दिया, ये मैंने रख दिया है और इसको मैंने बैलेंस कर लिया है। ठीक है, अभी मुझे इसको फॉल पेपर से कवर करने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो पतीला बहुत बड़ा है और मोड जो है केक जो है तकरीबन ये 1 पाउंड का रेडी यहाँ पे हो रहा है, तो मैं फॉल पेपर से कवर नहीं करूँगी। मैं जस्ट इसको ढक्कन से कवर करके ढक्कन के ऊपर कोई बड़ी सी वजनी चीज़ रख दूँगी। ये देखिए स्पंज अच्छे से बेक हो चुका है पतीले में। ये देखिए एक स्पंज रेडी हो चुका है। अब सेम इंग्रेडिएंट से मैं दूसरा स्पंज रेडी करूंगी, लेकिन उससे पहले ये जो बटर पेपर है इसको मैं रिमूव करूंगी। इस तरह से बिल्कुल आपने इसको फाड़ फाड़ के लाइट हैंड से इस तरह से इसको रिमूव करना है। देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट स्पंज रेडी हुआ है। और सेकेंड स्पंज भी इसी तरह से सेम इंग्रेडिएंट से पतीले पर ही मैं रेडी करूंगी। दोनों स्पंज रेडी हो चुके हैं, अब मैं इसमें टॉपिंग करूंगी। केक को स्पंज को सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे मिल्क सिरप रेडी किया है। मैंने इतना मिल्क लिया है, इसमें थोड़ी सी चीनी डाल के चीनी को बिल्कुल इसमें हल कर लिया है मैंने, और अब मैं इसमें ये मिल्क ऐड डालूंगी। क्रीम को यहाँ पे मैंने व्हिप्ड कर लिया है। ये क्रीम को किस तरीके से व्हिप करना है इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगी उस वीडियो का, लेकिन क्रीम को किस तरह से आपने व्हिप करना है। अब मैं इसमें क्रीम स्प्रेड करूंगी। केक पे क्रीम मैं लगा चुकी हूँ अच्छे से, अब मैं इस पे दूसरा स्पंज रखूंगी। स्पंज मैंने इसके ऊपर रख दिया है, अब यहाँ से मैं इसमें जो है बटर पेपर को रिमूव करूंगी। ये देखिए अब इसमें दोबारा से मिल्क सिरप जो मैंने रेडी करके रखा था वो डालूंगी। ऐड कर लिया, अब मैं साइड से मेक श्योर करूंगी जो केक है ये बैलेंस है कि नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पे नहीं है तो वहां से मैं इसको नाइफ से अच्छी तरह से कट करके इसको बैलेंस करूंगी। ये क्रीम जो है मैंने व्हिप करके रखी हुई है, मैं इसे लगाऊंगी। सबसे पहले मैं इसे साइडों पे लगाऊंगी। ठीक है, इसको इस तरीके से साइडों से कवर करूंगी। साइडों पे मैंने सबसे पहले थोड़ी थोड़ी क्रीम लगा के उसको बैलेंस कर लिया। अब मैं जो है पूरे केक पे क्रीम को स्प्रेड करूंगी। क्रीम जो है मैं केक में अच्छे से लगा चुकी हूँ। ठीक है, अब मैं इसमें फ्लावरिंग करूंगी। पिंक कोन है ये क्रीम में, मैंने पिंक कलर डाल के ऐड करके ये कोन ब्रेड कर रखी है, तो मैं इसमें थोड़ी सी इससे भी डेकोरेट कर देती हूँ। सही है, लेकिन अगर आपके पास अगर आप नहीं कर रही हो उस तरह से तो कोई बात नहीं है, आप अपने तौर पे जो डेकोरेशन आपके समझ आता है वो कर दो। साइड्स में भी मैं इसके कॉर्नर में एक अच्छा सा ये पिंक सा कलर डाल देती हूँ तो बहुत खूबसूरत सा लुक आएगा केक में। ये पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम रखी हुई है, मैं इसे फ्लावरिंग करूंगी। केक में फ्लावरिंग हो चुकी है। ये मेरे पास पाइनएप्पल थे रखे हुए, तो मैंने इनको बारीक बारीक करके ऑलरेडी वॉश्ड माय हैंड, तो इससे मैं इसको डेकोरेट कर दूंगी तो ये और यमी और अच्छा सा लुक देगा। वैसे सीरियसली केक बहुत यमी होता है, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिए और बहुत ईजी भी है। मैंने ये ईजिली पेन में भी आपको बनाना सिखा दिया है किस तरह से पतीले में इसे बेक करना है। यमी आइस केक रेडी हो चुका है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।